नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूकृति बुटीक में। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे एक मीटर कपड़े में प्लाजो कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा है, ये एक मीटर कपड़ा है, इसको मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। तो एक मीटर में ही हम प्लाजो आज निकालना आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे लेंथ और नाप जान लेते हैं पूरी। लेंथ जो है हमारी यहाँ पे 38 इंच तैयार होगी। मोरी का नाप होगा हमारा 13x13, मतलब पूरा हमारा जो राउंड घेर देखेंगे तो 26 इंच का हमारा घेर आएगा राउंड में। हिप का नाप होगा हमारा 40 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों कमर का नाप लिख देता हूँ। जो कमर है हमारी यहाँ पे वो है 30, जो वेस्ट है ये 30 है, तो पूरा नाप हमारा ये रहेगा। तो आइए सीखते हैं कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमारे पास ये कपड़ा है, इस साइड हमने कन्नी वाला पार्ट रखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे इसका मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, जो मैं बताया था आपको कि एक मीटर है। तो ये देखिए पूरा 39 है। यहाँ पे यहाँ से चलेंगे हम इस तरीके से, और पूरा कपड़ा हमारा यहाँ पे इस तरीके से है। ये देखिए पूरा कपड़ा हमारा एक मीटर है। तो एक मीटर में ही आज हमने प्लाजो सीखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कपड़ा है इसका अर्ज बड़ा है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अर्ज जो है हमारा ऐसे देखेंगे तो 28 इंच का अर्ज है, मतलब 56 इंच हमारा टोटल अर्ज है इसका। तो 56 इंच जो अर्ज होता है 56 इंच वाला, इसमें आप एक मीटर में भी प्लाजो यहाँ पे बना सकते हो। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। कई बार क्या करते हैं कि हम 2.5 मीटर कपड़ा ले लेते हैं और हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है बाद में। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो बड़े अर्ज वाला कपड़ा होता है उसमें से प्लाजो कटिंग करने के लिए एक मीटर ही कपड़ा लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए डबल कर लिया है हमने। इसी में से हमारे दोनों पोंछे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। तो इसको प्रेस से कर लेंगे अच्छे से सेट। प्रेस से हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे पहला निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमें लगाना है आसन का निशान। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा आसन का निशान आएगा लेंथ के अकॉर्डिंग आता है। लेंथ है हमारी यहाँ पे जो फुल लेंथ होगी 39 इंच होगी। 39 इसका चौथा भाग करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10.25 इंच, और उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच प्लस करेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है 12.75 इंच तक आसन यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। ये प्लाजो के लिए होता है, ये ध्यान रखें। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा आएगा यहाँ पे 12.75 इंच आसन आएगा नाप के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 38, तो 38 तैयार रखेंगे, और नीचे की साइड यहाँ पे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। इसमें ज्यादा फोल्ड नहीं लगाना है क्योंकि कपड़ा हमारे पास शॉर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। तो कम ही मार्जिन हमें लेके चलना होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ से आएंगे साइज पे, साइज हम कैसे निकालें और कैसे परफेक्ट कटिंग करें। यहाँ पे आपने ध्यान देना है साइज के लिए। साइज जो हिप है हमारी यहाँ पे 40 है, 40 इंच हिप है। पहला निशान लगाएंगे चौथे भाग का, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच की देंगे लूजिंग, और यहाँ पे आगे की साइड 2.25 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा। ये गोलाई के लिए होता है, आपने ध्यान देना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं ये चल जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम सीधा निशान लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहां से ऐसे डाल देंगे ये गोलाई, ये हमारी गोलाई आ जाएगी। और यहाँ पे हम मोरी का नाप भी देख लेते हैं। तो मोरी हमारी है 13, तो 13 हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा, इतना हमारा मार्जिन आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे से तो हम पूरा पूरा ले लेते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा शॉर्ट है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको ध्यान देना है, यहां से हम जो ये कपड़ा कटिंग करेंगे, ये देखिए ये वाला आसन वाला जो कपड़ा हमने यहां से कटिंग किया है, यही हम यहाँ पे जोड़ के तौर पर यूज करेंगे इस तरीके से। तो चारों पल्लों में हमारा यहाँ पे जोड़ लग जाएगा, ये छोटा छोटा ऐसे जोड़ लगा लेंगे, और यहाँ पे ये पूरा जोड़ लगने के बाद यहाँ पे अच्छे से ही सेट आ जाएगा। तो ये देखिए
देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लगा लेना है और ये हमारा पूरा आ जाएगा ऊपर नीचे। तो इस तरीके से तो करनी है कटिंग। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और ये जो मार्जिन देख रहे हो आप, यही मार्जिन हमें फोल्ड करना है और अंदर की साइड एक पट्टी हम अलग से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक मीटर में पैंट प्लाजो की कटिंग कर पाओगे और अच्छा खासा रहेगा ये, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से हमने ये पैंट प्लाजो की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे और सबसे पहले लगाने हैं हमें जोड़। तो यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, ये छोटे छोटे जोड़ हैं लेकिन इन्हीं से ही हमारा यहाँ पे जो साइज है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड में यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये जोड़ हमारा यहाँ पे मजबूत हो जाएगा अच्छे से। और इतना ही हमें यहाँ पे एक इंच का कम था कपड़ा, तो ये हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। इसको हम इसी गोलाई में यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे हमारा साइज कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड में जोड़ लगाते हैं और बाकी दूसरा जो हमारी दूसरे पैर वाला पीस है उसमें भी सेम ऐसे ही ज्वाइंट लगा लेंगे। ज्वाइंट लगाने का तरीका हमारा यही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, चारों जोड़ हम ऐसे ही लगाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है और दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ लगा लिया है फिनिशिंग के साथ में। अब हमें जो दूसरा पीस है ये वाला दूसरा जो पल्ला है इसको ऊपर रखना है इसी तरीके से। यहाँ पे ये ध्यान रखना है अंडरग्राउंड हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। आज ये पता लग जाएगा आपको कि अंडरग्राउंड कैसे तैयार करते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक भी नहीं होती तब भी आप अंडरग्राउंड सिलाई लगा के रेडी कर सकते हो, उसमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली सिलाई लगाएंगे हम कम से कम मार्जिन रखते हुए। तरीके से सिलाई लगाते हैं और यहाँ पे जो आप धागे देख रहे हो ये कटिंग कर लें, थोड़े बहुत धागे ऐसे निकल जाते हैं तो इसमें इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में कटिंग कर लें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलट के अंदर की साइड दबाना है ऐसे, तो इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड सिलाई। तो यहाँ पे ये जो धागे निकलने वाला एरिया होता है ये अंदर फिक्स हो जाता है, फिर हमारे यहाँ पे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब हमें आधा इंच चौड़ाई वाली यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो ये देखिए पूरा हमारा यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई लगते हुए ये आसन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए धागे वगैरह कहीं पे नहीं निकलेंगे और ये रेडी हो चुका है आसन एक साइड का। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला आसन भी ये रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड के आसन अंडरग्राउंड जोड़ते हुए तैयार कर लिए हैं। अब हमें दोनों आसन को ऐसे मिला देना है और ऊपर भी सीधी साइड रहेगी और नीचे भी सीधी साइड रहेगी। और यहाँ पे भी हम जो सिलाई लगाएंगे वो अंडरग्राउंड वाली ही लगाएंगे ताकि धागे ना निकले। और जैसे रेडीमेड में आता है सेम वैसे ही हम यहाँ पे काम करेंगे आज। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी हम एक बिल्कुल कम से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। मार्जिन यहाँ पे आपने ज्यादा नहीं लेना है, कम से कम मार्जिन लेना है।
और यहाँ पे दोनों आसन हमारे इस तरीके से मैच होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये देखिए दोनों सिलाई हमारी यहाँ पे इस तरीके से मैच हो रही है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा आपको कहीं पे मार्जिन लगता है हल्का हल्का सा इस तरीके से कटिंग कर ले, क्योंकि ये सिलाई भी हमारी पलटने के बाद फिर अंदर की साइड लगने वाली है। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से, और यहाँ पे जोड़ आएंगे दोनों साइड, ये सीधी साइड है हमारी। अब हमें इसको पलट लेना है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको पलट लेंगे तब हमारी यहाँ पे दूसरी सिलाई लगेगी। दोनों पोंचों को यहाँ पे इस तरीके से पलट लेंगे। अब जो ये सिलाई आई है हमारी यहाँ पे इस साइड में है कच्ची लब, तो ये हमें पक्की लब बनाने के लिए इस साइड में ऐसे यहाँ पे सिलाई के साथ में ऐसे फोल्ड करना है, बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए सिलाई, और यहाँ पे मार्जिन लेते हुए आधा इंच का सिलाई लगाना है। तो इससे मजबूत सिलाई भी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमारी अंडरग्राउंड आ जाएगी पूरी, कोई भी धागा वगैरह कहीं पे नजर नहीं आएगा। अब हम दूसरी साइड आ चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे आसन है, नीचे की साइड दूसरा आसन है और ये एक आसन है। तो दोनों आसन यहाँ पे आपस में मैच किए हैं हमने, और यहाँ पे दूसरे पोंचे पे सिलाई लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है और पूरी फिनिशिंग रहेगी यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ये तो हमारा आसन ज्वाइंट हो जाता है, ये साइड वाली सिलाई हो जाती है, अब नीचे से रह जाती है मोरी। तो यहाँ पे हम बारीक फोल्ड करेंगे मोरी का, जितना हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है उतना ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये फोल्ड कर लिया है नीचे से दोनों मोरियों को। इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है एक पट्टी, क्योंकि लेंथ हमारी पूरी पूरी है, तो हमने एक यहाँ पे अलग से ब्लैक कलर की पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है ये हमारी तकरीबन 2.5 इंच की होनी चाहिए, 2.5 से 3.25 इंच की। तो इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, पहले यहाँ पे एक पॉइंट से इस तरीके से रखते हुए ऐसे यहाँ पे इसको अटैच करेंगे और मार्जिन लेंगे आधा इंच का, ये ध्यान रखें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। Thank you.
दोस्तों पट्टी ज्वाइंट करने के बाद अब हमें डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक हमने यहाँ पे इस तरीके से राउंड कर लिया है लास्टिक को, और ये हमने 27 इंच की यहाँ पे तैयार रखी है, क्योंकि जितनी हमारी कमर का नाप होता है उससे आपने 3 इंच कम करके लास्टिक को इस तरीके से राउंड बना लेना है। अब डालने के लिए इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इस तरीके से जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली है इसका फोल्ड लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, और इसी तरीके से बराबर बराबर फोल्ड लगाते जाएंगे, और यहाँ पे ये सिलाई हमारी आती चली जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, लास्टिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और पूरी फिनिशिंग वाली लास्टिक आएगी इस तरीके से। तो अब मैं पूरा पीस आपको बिछा के दिखा देता हूँ काउंटर पे, कितना प्यारा सा हमने यहाँ पे ये 1 मीटर का प्लाजो तैयार किया है। तो ये देखिए दोस्तों, पैंट प्लाजो हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है, प्रेस कर दिया है। जो जोड़ है थोड़े थोड़े से हमारे यहाँ पे नजर आएंगे, और इतने एरिया में 5-1 इंच में यहाँ पे जोड़ नजर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। और इसी छोटे से जोड़ की वजह से हमने यहाँ पे पूरा खुला यहाँ पे ये प्लाजो बनाया है, और आप शेप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी इसकी शेप आई है। नीचे हमने बारीक फोल्ड किया है मोरी पे से, इस तरीके से बारीक फोल्ड है, ज्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं लगाया है। और ऊपर की साइड हमने यहाँ पे इस तरीके से लास्टिक डाली है, अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हुए। अगर आपकी ज्यादा शॉर्ट लेंथ है तो ज्यादा लंबाई ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा में भी कपड़ा लगा सकते हो, फिर आपने उसी हिसाब से कटिंग करना होगा। तो 1 मीटर में, कुल 1 मीटर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।